हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई मैं आप लोगों के लिए थ्री न्यू हाइपर ओएस थीम्स लेकर आ गया हूं और तीनों के तीनों काफ़ी कूल कंट्रोल सेंटर के साथ आते हैं। काफ़ी अमेजिंग थीम्स होने वाले हैं इस लिस्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट टाइम की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के डार्क वॉलपेपर के साथ आता है। आइकन से यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल देखने को मिल जाते हैं। सर्कुलर आइकन से कलरफुल डिजाइन के साथ आते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। और वीएट की बात करें तो यहाँ पर वीएट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक एनालॉग क्लॉक मिल जाता है डिजिटल क्लॉक के साथ और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर MIUI डायलर के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायलर देखने को मिलता है बहुत ही कलरफुल देखने को मिल जाता है। आइकन जिस स्टाइल में देखने को है सेम उसी स्टाइल में यहाँ पर डायलर भी देखने को मिल जाता है। और बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है ये भी काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। देन बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के नोटिफिकेशन पैनल के साथ आता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। और ये थीम लाइट मोड में भी वर्क करता है, तो लाइट मोड में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का लगता है। और इस थीम में वॉल्यूम कंट्रोल्स में भी चेंज देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो सेम वॉलपेपर के साथ आता है और कुछ इस टाइप का एक क्लॉक देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन में। तो सिंपल सी लॉक स्क्रीन है, ज़्यादा कुछ फैंसी देखने को नहीं मिलता। तो थीम का नाम है जेएन मिनिमल बाय डीएन और एजिट 77 और इसके साइज 12.4 MB। ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा, जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं हमारे सेकंड थीम पे, जो कि कुछ इस टाइप की एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है। यहाँ पर एक कार वॉलपेपर मिल जाता है जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। आइकॉन से यहाँ पर थोड़े से लार्ज साइज में है जो कि कुछ इस टाइप के लगते हैं। और विजेट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा विजेट में। और कंट्रोल सेंटर की बात करें, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप कूल कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। काफी कूल कंट्रोल सेंटर है। यहाँ पर बैकग्राउंड में कार वॉलपेपर मिल जाता है और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो ये भी काफी कूल लगता है। यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की यूआई के साथ आता है। यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं चेंज हुए हैं और अभी ये थीम लाइट मोड में है। और हम स्विच करते हैं डार्क मोड में, तो यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ये बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड के साथ आता है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। काफ़ी कुल लॉक स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको थीम पसंद आता है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। थीम का नाम है गिनी अंडरस्कोर IZV15 और इसकी डिजाइनर है IG54 और इसकी साइज है 27.3 MB। लास्ट थीम है हमारे लिस्ट में मेजेस्टिक ओशन बाय डिजाइनर अमय पाटिल और इसकी साइज है 9.4 MB। होम स्क्रीन की बात करें, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक सी वॉलपेपर के साथ आता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और आइकॉन्स आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर नीचे एक डॉक भी मिल जाता है। और बात करें यहाँ पर विजेट की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के विजेट के साथ आता है। यहाँ पर भी टील कलर का टच देखने को मिलता है विजेट में। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर MIUI मैसेजिंग ऐप के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है ये चेंज हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर क्लॉक ऐप के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल जाता है, टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम कलर देखने को मिल जाता है टेक्स्ट और क्विक टॉगल्स में और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर कंट्रोल सेंटर। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी सेम कलर का टच देखने को मिल जाता है सर्च बार में, सेटिंग्स में और आइकन्स में। और ये जो थीम है ये अभी डार्क मोड पर है, ये लाइट मोड को भी सपोर्ट करता है। तो लाइट मोड में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का लगता है ये थीम, ये डार्क मोड में ज़्यादा अच्छा लगता है। और बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के वॉल्यूम कंट्रोल्स के साथ आता है। और बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो कुछ इस टाइप की एक सिंपल से लॉक स्क्रीन के साथ आता है ये थीम। तो ये थे थ्री न्यू हाइपर ओएस थीम्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हाइपर ओएस के बेस्ट आइकॉन्स के बारे में जानना चाहते हो, तो लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।